गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर, लकी का नाम और उसके नाम से वाबस्ता जलाएं सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मैं पूछता हूं, एक मामूली सा चोर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? सर, वो मामूली चोर नहीं है। तो फिर क्या है? वो कितना बड़ा चोर है इसका अंदाजा आप इन फाइलों से लगा सकते हैं। ये सब फाइलें लकी से मुतालिक है? यस सर, इन फाइलों में उसके जरायम की रिपोर्ट्स और सबूत अल्फाजों की सूरत में बंद है, लेकिन वो खुद कैसा है, कहाँ है, क्या है, पुलिस इसके मुतालिक कुछ नहीं जानती। मासवाय इसके कि वो चोर ही नहीं एक बहुत बड़ा स्मगलर भी है। नहीं तबीयत खराब है इसलिए दो दिन की छुट्टी थे। खादम नहीं मुखबर दे कर, बस नहीं मौत।
جانداروں نے تاڑے تو جان قربان کی تھی اور اگر دس پانچ پانچ لاکھ روپیہ بچا دیتا گیا انہوں نے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست بھی کر دیتا گیا سر وہ لان جڑی سونا لے کے آ رہے تھے روک دیتے گئی ہیں سر مسٹر ڈیوڈ زرین کی کھیپ ڈنمارک پہنچانے سے کامیاب ہو گیا انٹرنیشنل جیولر سے ہیرے چوری کرنے کے پلان کی ریسل مکمل ہو چکی واٹ از یور آرڈر سر جی بچہ مر گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا باس میں ہیرے کے بارے میں پوچھے وہ بچہ بھی ہیرا ہے اپنی بہن لئی اپنی ماں لئی انہوں ہر صورت بچنا چاہیے مینا باس پھر تھی اس بچے لیے انہیں فکر مند کیوں تاری گی اگے اچانک ہوا حالت ہی تو وہی سی چھو مر بھی جائے نہیں مینا نہیں تیری سوچ غلط ہے انہوں نے مرنا چاہیے کچھ سمجھ نہیں آتی تے جہاں مضبوط انسان جیڑا موت کو بھی نہیں ڈرتا وہ بچوں کے سامنے کیوں ٹوٹ پچ جاتا ہے بس کہ میں پوچھ سکتی ہوں بچے تاری کمزوری کیوں نے اس لیے کہ میں نے انہوں نے اپنی شکل نظر آتی ہے جڑا انہوں کی طرح معصوم سی غریب سی پر ڈاکو چور تے سمگلر نہیں سی شوکے نو ٹیکس دین تو انکار کیتا ہے ہوں بھی انکار کرو تو پھر ویکو شوکے دے خلاف تو کون ہے میں وہ کاندا جنو ٹا کے تو انہاں بازار والیاں کولوں ٹیکس لویں گا پتلی تے نکی کان میں زندگی پہلی ہری ویکھی میری شہ تے انہاں بازار والیاں نے تینوں ٹیکس دین تو انکار کیتا سی تے میرا نائی انسپیکٹر وقار میرے معاف کر دو تھاندار جی مائی باپ میرے معاف کر دو سر تہاڈا ہیڈکوارٹر کال کیتا گیا ہیڈکوارٹرز فور واٹ آپ نے سمگلر لکھی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دو عرفانہ بیس سر انسپیکٹر رضا یس سر آپ کی ٹرانسفر خان پور کر دی گئی ہے اور وہاں ایک بدنام ڈاکو ہے جس کا نام ہے شکرا اس نے خان پور اور آس پاس کے گاؤں کا چین و سکون برباد کر دیا ہے آپ اسے بہت جلد قانون کے شکنجے میں دیکھیں گے سر ویری گڈ میں بھی یہی چاہتا ہوں آشا چار میرا بھائی چار میرا بھائی
बन के सानू कदम तक लुटता रहेगा शिक्रिया। जदों तक तुसी मेरे पैर नू बाज मारते रहो, याद रखो ए पिंडा लियो, ए शिकरे ते गजब दा एक निक्का जिहा नमूना। जे हुण तुसी शिकरे दी वरना कीता ते मैं तुहाडे एक एक दिन दे पाल भी चुनते नहीं छटांगा। सदके जावा तू वाकई दलेर है शिकरे। दलेर ना होंदा ते तेरा रात तक के तैनू ए कहण ना आंदा कि जिंदगी बड़ी महंगी शह वे ते शिकरे नू फड़ना बड़ा ही औखा काम में। जा मुड़ जा काका चला जा, ए तेरे पढ़न लिखन ते खेडन दे दिंदे, गोलियां ते गोले चलाना हाली बड़ी दूर है, तेरी उम्र नहीं है। जज्बे उम्रा नहीं देखते शिकरे, मैं तेन गिरफ्तार करके ले जाना ही। मेरा अपने अफसर नाल वादा है। तोड़ दे वादा सदके जावा, नहीं ते मेरे हाथ तेरे साथ तोड़ देंगे। मुड़ जा काका, ए मैं तेन शराफत नाल कह रहा, जे तू खानपुर आया ते शिकरा तेन कबरपुर पहुंचा देगा। पता ही कबरपुर कितने वे ते की है। पहली मुलाकात तू की थी शिकरे, ते दूजी मुलाकात तेरे नाल मैं आप करांगा। उस मुलाकात च मैं तेरे हथा नु हथ कड़िया नाल आ सकिया ते कानून दी वर्दी ला देंगा। सर वेरी बैड न्यूज, साडा काला सोना लेके जी लांच हांगकांग जा रही थी और रस्ते विच वाह कर ले गई। जरूरत किने की थी? ए जरूरत उस स्मगलर ने की थी है सर, जेड़ा ताडे मुकाबले चलना चाहता है। की नाम? जिमी। जिमी हेलो
जी जी बस तड़को यस जिमी स्पीकिंग मैं मिस्टर लकी का नायब बोल रहा हूं एक मिनट कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा सी उन्होंने हड्डी सुट दी वो तो चुप कर गया हूं तू कि चुप करेगा माइंड योर ओन लैंग्वेज मिस्टर जिमी ओए अपने बॉस नु कह के मेरे नाल गल करे मैं तेरे जैसी जुबान नहीं समझदा लकी दी ग्रेट ते गजब नु ना ललका जिमी मौत बन के तेरे सिर ते खलोता है ओए मेरे सिर ते खुला आसमान है अपने बॉस नु कह दिया है मेरे तक पहुंचने लई ओनु सदियां चाहिदियां ने मैं तेरे तक पहुंच गया हूं जिमी कोई बहादुरी नहीं ऐसले के तेरे हाथ से पिस्तौल है तो मैं खाली आता हूं बहादुर बेवकूफ होने यकीन आ गया मिस्टर लकी दी ग्रेट तू हाथ खाया मौका जाया कर देता है पर मैं मौका जाया नहीं करूंगा कल दे कामयाब ऑपरेशन दे बाद असि एक जश्न मना रहे हैं ते साडी सारे दी ख्वाहिश है कि तुसी भी नए जानी तो चलो कहीं जाया करो मैं कुछ पुला नहीं करा
ਸੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਾਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫੜ ਪਿਸਤੌਲ ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮੁਸ਼ਰਿੰਡੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ
हेलमेट लाने तो पता लगता यार कि कमाल जाइए खो अजी जगह ला ही जाएंगे ना ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਮਾਲ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਂ
खाली ना फसल पकिया ते ना तेरे पहले डाके फट भरे ने साडे हाथ खाली ने शिकरे तेरे लुटन लई साडे कोल हाली कुछ कट्ठा नहीं होया तू साडे कोलों की लेंगा जिंदगी जिंद जान तुहाडी नहीं सदके जावा उस बेवकूफ जेवर दी वाले क्या सी खानपुर ना ना पैंदा वद जाएगा जिंद मुक जाएगी रूप बदन दी कैद चो छुट जाएगी पर मनिया ही नहीं इतने कितने आते क्या है पर लुक गया मैं आ गया शिकरे कल्लाया आया वाले ना ले आने सन पुलिस मुकाबला होंदा ठाठू ठह होंदी तो कुछ मजा आंदा तू इज्जत नाल ते मर जांदो सदके जावा फिर सदके जावा जिन्या मर्जी कंधा खिलार ला शिकरे आज जैसे पुलिस पहुंचन का इस्तकबाल दरख्त ने टंगी हुई तेरी लाश करेगी और निका जहा होके तेन एडिया वडिया वडिया गल्ला सजदिया ही नहीं और मैं तेन सजा देन आया वा इन होर औखी ना बड़ा ना बड़ा ना बड़ा शिकरे तेरे हाथ बहुत लंबे हो गए तुम्हें इंस्पेक्टर रजा की जान से खेलने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी खानपुर की नौकरी बढ़ा दो और वहां कदम कदम पर शिकरे की मां बन के खड़े हो जाओ मुझे शिकरा जिंदा या मुर्दा चाहिए ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਰ ਜਾਣੀ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮੋਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਮਦੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ पर की दिल पे आराम हो गया है ओ क्यों ऐसे कोई वड़के पै गया है निकलता ही नहीं माली मार लेती सुन कौन है जे मैं कहा कि तुसी हो फिर बाजी जी ए मोहन साहब ने ताड़ी आए थे अच्छा 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 ए मोहन चल साहब ने कमाल है मशहूर ही हो गए हैं ए शादी का कार्ड शादी जेनी अच्छा अच्छा कल मेरी जेनी की शादी है फिर तुसी जरूर आना है लो कमाल ही हो बड़े ही करीब हो गए की मतलब मतलब है कि ताड़ी सिस्टर की शादी मेरे दोस्त नाल हो रही है वैसे ये भी चंगा हो गया एक तीरी दो निशाने तुसी भी खुश ते दोस्त भी खुश पर एक गल जे मैं आऊंगा अपने दोस्त वालों जे तुसी अपने दोस्त वालों आए ना ते बड़े नुकसान च रहोगे तुम नुकसान किस कर दा उनके फेरो ही फेरो जी जी अजमे
आज मैं जश्न मनाना मैनु मिल गई मंजिल मेरी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी और भी सारे रंग चढ़ा दे एक फड़ दिल दी चाबी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी और भी सारे रंग चढ़ा दे एक फड़ दिल दी चाबी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी रंग दे चुन्नी रंग दे गुलाबी पोजीशन फॉलो करने की कोशिश करो मैं मुंडे वाल भी जाना सी ना मेरे वालों यह किरजा तोहफा थैंक यू हेलो मीना ओह वेलकम सर
मीना भाई मैनू ए तो गलत चंगा नहीं लगता कि तू मैं वकार सक तू भी मैंने प्यार कुछ क्या करना मिसाल के तौर पर टोनी बॉबी कुकू टोची वकार तो विकी हो सकता है किधरे अगली कोई लकी ना लकी हां चोर स्मगलर डाकू तू उन्होंने नहीं जानती बिल्कुल नहीं भाई मैं उसका बड़ा फैन कमाल दलेर आदमी ना वो सिगरेट पींदा ना वो शराब पींदा है ना मैंने क्या पता होगा मैं तो तेन इन पूछ रहा जिम्मे तू तो साथी है सुनिया वो गैंग कुड़िया भी काम कर दिया तू आटा तो बंद नहीं कर सकता लकी लकी नहीं विकी ओ हाय सॉरी तेन क्या सी ए ना ना रख चक्कर खा जाएंगे खैर कोई गल नहीं चाबी ठंडी हो गई ओह बहुत देर हो गई मैं हल तेरे ऑफिस का भी टाइम हो गया है मैं चलना बाय ओह माय गॉड टेलीफोन कर सकनी हाँ हाँ क्यों नहीं थैंक यू अच्छा उन्हें आया हेलो हेलो मैं मीना बोल रही हूँ मैं बॉस से गल करना चाहती हूँ हेलो सर सर एक आदमी मुसलसल मेरा ताकब कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानती पता नहीं वो कौन है ना और सीआईडी इंस्पेक्टर है जो बड़े दिनों तो तेरे पीछे लगा है घबराने की कोई जरूरत नहीं पहले तेनू माफ कर दिता सी लेकिन हुन नहीं छड़ा मेरे लिए की ऑर्डर है बॉस तू कितों बोल रही है नेशनल पार्क के सामने एक दुकान तो बोल रही हूँ इना तू एक घंटा नेशनल पार्क की चिट्ठा बहुत बार खा चली जा जब तक मैं तेन ऑर्डर ना करा तू हेडक्वार्टर नहीं आएगी ओके बॉस टोनी यस बॉस एक सीआईडी इंस्पेक्टर मीना के जरिए साढ़े तक पहुंचना चाहते उन्होंने अंजाम तक पहुंचा दे ओके बॉस और मीना इसलिए नेशनल पार्क इस मौजूद है यकीन उन्होंने बेवकूफ इंस्पेक्टर भी उतनी मौजूद होगा जरूरी तू नहीं दसना चाहती ना दस क्यों जनाब लड़ाई के मूड चो कि चले आए जानना मैं ਮੈਨੂੰ
तो मेरे से बेड़ा चलाइया
दस बोलना क्यों नहीं दस बोलना क्यों नहीं चोरी नु मारी जाना चाहिदा सी जड़ा शख्स एक मामूली जे डेल इंस्पेक्टर नु नहीं मार सकिया उन्हें मेरे गैंग इस की इस दुनिया चिरान का कोई हक नहीं तुसी सब तैयारी करो असी इंटरनेशनल ज्वेलर्स नु लुटन चलांगे इफ यू डोंट माइंड सर सानू प्रोग्राम मनसूख कर देना चाहिए क्यों सर पुलिस साड़ी तलाशी चप्पे चप्पे ते मौजूद है हेलो मीना मैं वकार बोल रहा खैरियत है खैरियत ही तो नहीं मेरा आइडियल मर गया है कौन लकी की कह रहे तू अखबार नहीं पढ़े पुलिस मुकाबले से मारिया गया है ते उदी लाश तक कोई पता नहीं लगा नहीं नहीं सानू जल्दी मीना का टकअप करना चाहिए अगर ज्यादा दूर निकल गई तो अच्छी लकी के डन तक किस तरह पहुंचाएंगे फिक्र ना कर अमजद मैं ओदी गड्डी च कैसा आला फिट कर देता है जिदा तलक इस मीटर नाल ओदी गड्डी जिधर जाएगी ये मीटर सानू दसदा रहेगा लेट्स गो छोटी है बॉस इज ओके माइनर इंजरीज ओ थैंक्स गॉड मैं तो डरी गई सा मैं बॉस नु मिल सकनी हां मैं पता करना यस सर इन्हें तल मिलना चाहती है की बकवास कर रहे हैं मैं उन्हें जान तो रोकिया सी बॉस मैं तोड़ी मुतालिक अखबार शराब पुलिस ने झूठी खबर छपवाई है तो ये आके बड़ी बड़ी गलती की थी है मीना तेरी वजह तो असि वड्डी तो वड्डी मुसीबत फंस सकने खतरे का अलार्म सुन रही है मीना तेरी थोड़ी जी बेवकूफी कितनी वड्डी क्यामत लेके आ रही है सॉरी बॉस सर पुलिस ने साड़ी हेडक्वार्टर चारों पासों घेर लिया तो उन्होंने हथियार सुटने की वार्निंग दी है नहीं असी लड़ांगे वकार तू इंस्पेक्टर मैं गिरफ्तार कर लो Thank you.
میری حکومت تخت و تاج پہ خوفیہ اڈا ملیا میٹ ہو چکے لگی اپنے آپ کو پولیس سے حوالے کر دے اس لیے کہ میں تینوں زندہ گرفتار کرنا چاہنا انسپیکٹر جب تک میرے ہاتھ کے چسلہ تے سینے چ دل تڑک رہا ہے تو تے کی ساری دنیا کی پولیس بھی لکی نو گرفتار نہیں کر سکتی بے خوف نہ بن لکی تو نہیں نہ تھکتا پولیس تیرے چاروں پاس موت بن کے کھلوتی ہے ایک پاسا علی کافی ہے انسپیکٹر جو اس پاس لکی کی زندگی ہے مینو کی دس دے ہو جاؤ انہوں دے سامنے چٹانا بن کے کھلو جاؤ تے ادھوں تک مقابلہ کرو جدوں تک ایک گولی بھی باقی ہے جاؤ ڈاکو لا دینا Thank you.
वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिन बाद आयो साईं बाबा, अखा तरस नहीं असा तुहाडे दीदार नी। तुहानू ते पता है चौधरी जी किन्ने पिंड जाना पैंदा। की गल है, पुलिस बुरी नजर आ रही है। शिकरे ने जीना हराम कर दिता सारे पिंड का, दुआ करो रब ओनू चुक लवे। नहीं चौधरी जी नहीं, पर दुआ नहीं मंगी दी, दुआ करी दी है रब ओनू सीधा रस्ता दिखावे, नाले जालम दे जुल्म तो तंग ते परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जालम आखरत लई अपना नुकसान ते तुहाडा फायदा करता है। तुसी बिल्कुल समझदे हो साईं बाबा। घबराओ नहीं, असी ये भी फैसला किता है कि शिकरे नू मोमिन बनावांगे ते फिर इस पिंड विचों जावांगे। तुसी क्यों रुक गए हो, आओ ना चलिए पुतपुती। चले करती करती लाली आप चली हो गई, अल्लाह इनु सब्र अता फरमा। चानन चंगा नहीं लगता। रब दे नां दा विरद करन नाल सारिया मुश्किलां आसान हो जांदी हैं। तू इत्थे क्यों खलोता है कुतबुद्दीन, चौंक क्यों गया है? साडा दित्ता होया ना तैनू चंगा नहीं लगा लकी दी क्रेट। हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तेरे मुतालिक सब कुछ जानना है, फैन है मैं तेरा, कदर करना है तेरी बहादुरी की। जे तू मेरे बारे सब कुछ जानना तो मेरी गलकन खोल के सुन ले। मुड़ के तेरी जुबान ते मेरा ना आया ते मैं तेरी जुबान नू हमेशा लिए खामोश कर दियांगा। नहीं नहीं नहीं, जुबान खामोश करने दा इख्तियार सिर्फ रब दी साथ नू है। हाँ मैं उदा हुक्म जरूर मनांगा। वो कहंदा है तुसी किसे दा पर्दा रखो ते मैं तुहाडा पर्दा रखांगा। मैं तैनू कुतबुद्दीन का नाम सिर्फ इसलिए दिता है कि तेरा परदा रह जाए, नहीं तो तू जड़े वेले मेरे साथी नू ट्रेन के डब्बे च बेहोश करके उदी जगह ते आ बैठा सै, मैं तैनू गिरफ्तार करा सकता सै। मैं तैनू उदों ही पुछाण लिया सी, तेरे इस एहसान का बदला चुका दिता जाएगा। मैं सिर्फ फर्ज की रात इतने रहांगा बस। ये भी तो हो सकता है तू हमेशा लिए इतने ही रह जावे। नहीं, अपना लौ लगदिया देर नहीं लगती, तू आराम कर,
ایتھے تینو کوئی خطرہ نہیں پر ویکھی میں تیرے کمرے چانن کر چلے پھر ہنیریاں چ نہ ڈب جائیں گڈ نائٹ واٹ حیران ہون دی لوڑ نہیں میں آکسفورڈ یونیورسٹی تو فلسفی دی پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے اور بھی میرے کول بہت ساری ڈگریاں نے آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن اس تعلیم نے میرے دل چ رب دی محبت ودائی ہے کٹائی نہیں ونس اگین گڈ نائٹ اینڈ گاڈ بلیس یو مائی بریو سن پتہ نہیں تھے میرے نال کی ہونا ہے میں کتنے پھنس گیا ہوں نان سینس ایسا ہے کیوں آئے ہو تسی لوگ یہ سب کچھ کی لے آندا جی اسی سارے پنڈ والے اپنا سونا چاندی تے روپیہ پیسہ تواڈے کول امانت رکھوان لئی آئے ہیں سائیں بابا سر بدھی جا رہی ہے سائیں بابا اسی سارے اپنا بچیا کچیا سرمایہ لے کے شہر دے کسی بینک جمع کران لئی ایس لئی نہیں جا سکتے کہ شہر بہت دور ہے تواڈے جا بزرگ تے دیانتدار بہت نیڑے رب تو بعد ساڈے سرمایہ دا رکھوالا تواڈے تو سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا سائیں بابا شکرا میرے کولوں بھی تا تہاڈیاں اے امانتاں کھو سکدا ہے بہرحال تسی اے ذمہ داری میرے تے پائی ہے تو میں انہوں نے پان دی پوری کوشش کراں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی حیران ہو گے کہ میں تالا کیوں نہیں ماریا تالا کوئی ایسی چیز نہیں جڑی ٹوٹ نہ سکے کی فائدہ ایسی چیز کی مدد لین دا جڑی ہاتھ لایا ٹوٹ جائے مدد صرف رب دی ذات تو منگنی چاہیے تسی اپنا سرمایہ میرے کول امانت رکھایا تو میں سونے رب دی ذات کو رکھوانا ہے جاؤ جا کے بے فکر ہو کے سو جاؤ تو سانو بھی اللہ اللہ کرن دے آؤ براؤ چلیے آؤ تو ایتھے بہ کے اللہ اللہ کر رہے تو میں موقع مل دے یہ سارا سرمایہ لے کے تھوں نکل جاواں گا نوی زندگی شروع کرن لئی اے دولت میرے لیے کافی ہے کیا سی یہ امانتاں سویرے شہر جا کے بینک چ جمع کرائیں حالی تے سویر ہون چ بڑی دیر ہے پتر تم منہ نیرے ٹر پے یہ سب کچھ سنبھال لے تے جا جا کے حجرے چ آرام کر
تھی بھی آرام کرو دوستو وقت تے حجرے چو تیرا باہر آنے اس گل ثابت کرتا ہے کہ جدو میں مال لے کے جا رہا تھا تو تو جا کر رہا سی ہاں پر چپ کر کے اس لیے پیا رہا کہ امانتاں رب دی امانت سن اوے چلیا اے تا مال و دولت ہے جے میت نو قبر دے چ امانت کر کے دفنائیے تو رب انہوں بھی نقصان نہیں پہنچنے دیندا تو میں ثابت کی کرنا چاہنا ہے میں جو ثابت کرنا سی وہ کر لے اگوں تیری عقل جا لے جائے سب کچھ اپنی ضرورت پوری کر اے الزام میں اپنے سر لے لاں گا شکرے نے تیرا بگاڑیا کی تو بھی یہ پوچھنا کہ شکرے نے میرا کی بگاڑا مار شیکا میں تینو کچھ نہیں کرانگا صرف پیار کرانگا تیری خوشبو سنگا بڑا چر ہو گیا دماغ وچ تیرے جے سونے پھل دی مٹھی مٹھی خوشبو ہی نہیں بس شکرے میری تھی رحم خاں خدا دا واسطہ میری تھی رحم خاں شکرے اج خدا دا بہر ہوندا ہی ایڈا ظلم نہ کر بے در اج خدا دا بہر ہوندا ہی شکرے اج خدا دا بہر ہوندا ہی اے ظالما اے ظالما میری تھی رحم اوے میں تہاڈا پھل توڑن تے نہیں لگا صرف خوشبو سنگن لگا نہیں شکرے نہیں شکرے لاؤلی
हूं मेरे को बदवाद सिवा कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। रब रब पता नहीं मेरी कदों सुनेगा। जालम शिकरे गुनावा की सजा ओदे नामे कदों लिखेगा, कदों लिखेगा। तू दस ना, तू दस मेनु, तू दस मेनु कदों लिखेगा सजावा कदों दे सजा। तू आप गल कर रहा, गल मेरे मुंह विचों निकलेगी पूरी तुसी करोगे। देख रहे हैं इस वरिया पिंडी चौल वाली फसल की कमाई मैं अद्धी नहीं लैनी, सारी दी सारी लैनी है। ते जिन्ने एक दमड़ी भी रखी मैं उदा दम घुट लवांगा। तो जिन्हें भी हुक्म अदूली कीती ओदी सजा सारियां नूं मिलेगी। किठ किठ जिन्ना बाल भी जिंदा नहीं बचेगा। मोहलत तीन दिन दी है, चौथी रात का हनेरा तुहाडी जिंद का चानण भी होवेगा। कबर का गुप नेरा दोस्तों, मेरा इस पिंड इस वारी आन का पहला मकसद शिकरे नूं सिद्धे राह ते लियाना ते उहदे जुल्मां तों तुहानूं निजात दिलाना सी। पर अज ओह वक्त आ गया है कि उहने अपने जुल्मां दा रुख तुहाडे वल मोड़ दित्ता है, तां मैं उहदे जुल्मां दे सामणे दीवार बणन जा रहा। नहीं साहिब बाबा नहीं, उस जालिम है, उह दरिंदा है, उहनूं इंसान बनाना साडा फर्ज है। मेरा दिल गवाही दिंदा है ओ सिद्धे रस्ते ते जरूर आवेगा। ओ माफी आज मंगे या कल मंगेगा जरूर। असि उहदी हरकत मनन लई तैयार हां साईं बाबा, पर रब दा वास्ते जे तुसी ना जाओ। मैनू ना रोको है, मेरा हुक्म है। ओदे नाल तों मिलना बड़ा जरूरी हो गया है। मेरा ते तुहाडा रब राखा। साडा इंतजार करी यार, जदों तिकर वापस ना आ जाइए जाई ना। वादा कर यार तू नहीं जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। तू शिक रही है ना? आहो सद के जावा, मैं तेन ही लभण आ रहा सा। जा,
जा 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 जाके अल्लाह अल्लाह कर साईं, तू कादे ले लपण निकलिया है शिकरे ने। ओए शिकरे नु ते अज तिकर कानून दे तलक तरखा भी नहीं लब सके, तेरे वर्गे साईं ने की लपड़ा है। एहसान मन मेरा कैसी आप तू के तेनु मिलन आ गया। तेरी मेहरबानी है शुक्रिया, पर एक गल याद रख, जिन्ना लभना होवे तो रब नू भी लभ लेंदे ने, इंसान नू लभना ते कोई मुश्किल गल नहीं। मैं तेरा खत पढ़िया, पिंड वालों नू भी पढ़ के सुनाया ही कि नहीं? शिकरे, रब ने तेनू इंसान बनाया है, तू अपनियां लगामां शैतान दे हाथ च दे के इंसाना दा ही दुश्मन क्यों बन गया? इंसान इंसान मेरा दुश्मन बन गया सी। बहुत सौ ले यार, हूं उठ बो, कुछ अल्लाह अल्लाह भी कर ले। तू इत्थे वाज करन आया है साईं? ओए मसीत नहीं, मेरी जू है जू, तेरा रब सत्ता समाना से बैठा है, और सिर्फ मोटी मोटी गर्दना वाले जगीरदारा जो दुनिया के साहूकारा दा रब है, अल्लाह अल्लाह ही नहीं करते थे, ऐसी क्यों करिए? तू रब नू भुला के हनेरिया च डुब गए है शिकरिया, मैं तेरे लिए रोशनी लेके आया है। रोशनी नहीं चाहिए मैनू, रोशनी मैनू सिर्फ रुपया चाहिए, रुपया रुपया दौलत सोना चांदी, जे मैनू सब कुछ नहीं मिलिया ते मैं जान खो लवांगा, बसे होए पिंड रणे मैदान बना दियांगा। ए जुल्म है शुक्रिया, ए जुल्म है, ते याद रख, जेड़ा रब दे बंदियां ते जुल्म करदा है ओदी नजात ना जमीन ते वे तना आसमान ते। ना डरा मैनू अपने रब कोलो साई, ना डरा, एक कालक मैं ओदे नूर तो चिड़ के अपने पिंडे ते सजाइए, मैं साई, मैं पंजा साला दा सा, जदो मेरी मां मर गई, तेरा प्यो मर गया, मैं तेरे रब दी इस दुनिया विच कलम कला रह गया। लोगों ने मैनू टुटे मारे, न किसी ने रोटी दी, न किसी ने सोर दिता, मैं तेरे रब नू अपना रब समझ के उदे कोलों मंगिया, पर और भी चुप अपने आसमाना ते बैठा रहा, मैं ओदे घर पनाह मंगी, ओदे बंदियां ने मैनू नीच ते पलीत जान के मैनू उत्थे भी नहीं रहण दिता, नहीं रहण दिता साईं। कदी मैं भी मासूम सा साईं, मैं भी लखा फरियादा कीतिया सन, असी दुनिया च सिर्फ ओदी अजमैशा ली आए हैं यार, ओदी अजमैशा तो घबरा के शैतान दा दोस्त बनना तो कोई अकलमंदी नहीं। ओए मैनू अकला ना सिखा, ना सिखा, जा चला जा इत्थों। जे मैं शैतान न बनदा ते दुनिया दे फरिश्तिया ने मैनू जीर नहीं सी देना साईं, जीर नहीं सी देना। शिकरा एक आवाज मारदा है ते पिंडां दे पिंड मेरे अगे आके जक जांदे ने, तेरा रब एक दिन विच पंज वारी लोकां नू बुलांदा है, मैनू दस कदी पूरा पिंड भी आंदा वेखिया ही साईं? रब दी असमत नाल बाजी ना ला यार, मर जान वालियां तो इबरत हासिल कर, कब्रस्ताना च कष्ट कर, दिल च बैठे हुए शैतान नाल सवाल कर, मर जान वाले किथे गए ते की कीता उन्होंने? उन्होंने जो भी कीता है ते जिथे भी गए ने ओथे गए ने, जिथे हुण मैं तैनू पुजाणा है। ओए चलिया, मौत तो ओ डरदे ने
जिन्हां नूं दुनिया नाल प्यार होए, असी ते अपने आप नूं इस दुनिया च मुसाफिर समझने आ। साडी ते मंजिल ही मौत है। जदों उहदा हुक्म होवेगा तुर पा। इत्थे मेरा हुक्म चलता है। तू बेवकूफ है। जिंदगी ते मौत ओदे हाथ च, बाकी सब झूठ। जे मैं झूठ नू सच साबित कर दिया ते फिर तू जो भी करेगा शिक्रिया अल्लाह दे हुक्म नाल करेगा। आई गुस्सा पीजा यार, गुस्से दे जाम तो मिठा मैं कोई जाम नहीं वेख्या। मैं सानी चरखा सुट दे, इनू फड़ के इंसान जालिम हो जांदा है। ओ जालिम जिहड़ा कयामत दे दिन अपने जिस्म दियां बोटियां आप नोचेगा। तू झूठ है, सच आसमाना ते बैठा है। मैं सच्चा, बाकी सब झूठे 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 झूठे। साडा इंतजार करी यार, जदों तक वापस ना आ जाइए जाई ना। पिंड वाले हो, उस तालिम ने रुका भी भेजिया जे। इस तरह देख लिया जे शिकरे नाल टक्कर लैण दा अंजाम। जद तक मेरी गल पूरी ना होई ते फिर हर घर विच मौत नचेगी, हर घर विच मौत नचेगी। ਕਰ ਵੀ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਏ, 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਵੀ ਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਾਤ ਕਿਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ। ਓਏ ਬਦਬਖਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ। मेरे हथा विच तो खून का समुंदर बन दे। जोसे खून दे समुंदर च मैं तेनु डूब के मारांगा। ए कौन मारेगा? तू कलम कल्ला। ओए मैनू मारने ते 100-200 बंदा नाल लेके आ। बरूदियां पेटियां खोल के रख, खाली हथा नाल ते खैरात मंगी जांदी है। जवान मुकाबला हमेशा खाली हथा नाल करदे ने। बंदे असले ए ते तेरे वर्गे डाकू नाल लैके टुरदे ने। सानू मेरा ना दे सके जावा शिकरा ते खाली हथ भी मैदान विच आ जाए ते तेनू इंज निचोड़ देवेगा जिवें कपड़ा धो के निचोड़ी दा। लो भी संगियो, अज असला नहीं चलेगा, शिकरे दे हथ चल। Thank you.
जिंदगी विच पहली बारी तेरे इस युद्ध ने मैनू कानून दिया जंजीरा पवाईया ने ते जंजीरा टुट जानिया नी ए मैदान पैर लगेगा मैं वापस आवांगा तेरे इस युद्ध का फैसला होके रवेगा याद रख Thank you.
बाबा शिकरे डाकू वाल जान तो पहला साढ़े ना एक पैगाम टेप पर आ गए सन। मेरे ना जी ते उन्हां दी ख्वाहिश सी कि पैगाम तुहानू पिंड वालियां दे सामने सुनाया जाए। आओ तशरीफ लिया। मेरे पुत्रुद्दीन मैं जा रहे हैं। दिल कहंदा वापसी ते जबान खामोश अखां बंद ते रूह जिस्म चों निकल चुकी होएगी। इस पिंड मैं एक मिशन लेके आया था शिकरे दे जुल्मां तों आजादी दुआण आया था गरीब ते मस्कीन पिंड वालियां ने मुमकिन है जिंदगी को मोहलत ना देवे हूं ये फर्ज मैं तेनू सौंपण है। मैनू पता है तू इनकार करेगा पर ये भी यकीन है कि तू जदों मेरी गद्दी ते बैठेगा रब तेरे दिल च बुराई नू खत्म करन दा जज्बा जरूर पैदा करेगा लिहाजा मैं तैनू अपनी गद्दी सौंप ला। नहीं नहीं अज तो इस पिंड वालियां दा ते ना साथियां दा साई बाबा तू है तू इस सारे पिंड वाले ना तो काट दे मेरे अरे जो कुछ सारे पिंड वाले ने दसे मैं वो नहीं मैं वो नहीं मैं चोर डाकू लुटेरा मैं कातला मैं कातला मैं कोई भी तक कम अपनी जिंदगी चंगा नहीं किया कोई कम अपनी जिंदगी चंगा नहीं किया कोई कम जिंदगी चंगा नहीं वादा कर यार तू नहीं जाएगा। परवरदिगार मैं आज पहली बारी मुश्किल रिश्ता भी याद किया मेरे मौला तेरे इस बंदे ने मैनू बड़े बड़े इम्तिहान च पा दिता जे तू मैनू इस इम्तिहान चो कढ नहीं सकता तो मैनू अपनी दूर की रोशनी दिखा दे मेरे मौला मैं इतना मत मैं बड़ा गुनाहगार हूं मैं बड़ा सालम हूं मैं कातल हूं मेरे परवरदिगार मैं कातल हूं तू गफूर रही भी है तू रहमान भी है तू माफ करना ना मेरे परवरदिगार मैं माफ कर मैंने इस इम्तिहान च पास कर दे मेरे मौला मैंने इस इम्तिहान च पास कर दे मैं माफ कर दे मैनू माफ कर दे मेरे मालिक मैनू माफ कर दे मैनू अपने नूर की रोशनी विखा दे मेरे परवरदिगार मैनू अपने नूर की रोशनी विखा तू इस जेल चो नहीं नस सकेगा शिकरिया एक जेल तो दूजी दूजी तो तीजी ओए पंजाब दी जेड़ी मर्जी जेल चले जाके बंद कर दियो मैं तोड़ के नस जाना जे इस शिकरे ने उठ जाना जे सदके जावा इथो तेरा हुण जनाजा ही जाएगा शिकरिया हाले सिर्फ तेनू एक मुकदमे चो 20 साल कैद होई है ते हाले तेरे ते 20 मुकदमे बाकी ने मेरी उम्र की होनी है तेरी नजर विच मैनू कुछ पता नहीं
ਓਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਓਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੁਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲੇਗਾ ਸ਼ਿਕਰੇ, ਨੱਸਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਰਮ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹੱਥ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਚਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਲਈ ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਕੀ? ਵਿੱਕੀ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ, ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ, ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਹੁਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਲੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਬੱਚ ਚਲਣ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬੀਲੀ ਕੰਜਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਝਣਾ ਤੇ ਆਇਓ ਸਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਠਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ?
मैं तो सिर्फ इना जानी हाँ कि मेरा कोठा है ते घुंगरुआ की छन छन आवाज सुन के लोगों के दिल तड़कते हैं तो वह मैं प्यार करते हैं तो जेड़े कन घुंगरुआ की आवाज नहीं सुन सकते वो मेरे को नफरत करते हैं। तू ठीक कह बंदे बंदियां को नफरत करते हैं पर सोना रब किसी को भी नफरत नहीं करता। ये बंदियां का कानून है कि बंदे नूं सजा देने लई एक गवाही लभ दिंदे पर सोना रब अपने बंदे नूं माफ करन लई उहदियां बहुत सारियां बुराइयां बहुत सारे गुनाहां विचों सिर्फ एक नेकी लभदा है जिहदे सदके च उहनूं माफ कर सके। औरत मां है बहन है बेटी है बीवी है औरत नु इन्हें सस्ता ना बेच बंद कर दे इस कारोबार नु खोल देना घुंगरुआ नहीं तो आने वाली कल च जदों तेरे पैरों दियां हड्डियां ने दोज़ख दी अग च सड़ना तो तू बड़े ही रोना है बड़ा रोवेंगी फिर इन्हां काकां चों तैनू किसे भी चुप कराने वास्ते नहीं आना नहीं आ सकन लगे ये लोग नहीं नहीं आ सकते मैं फिर भी मदद ले तेनू नहीं बुलावांगी तू इतो जाना है कि नहीं तेरा कसूर नहीं हर गुमराह इंसान नू सच्चाई का चानन हनेरा लगता है छड़ दे इन्हां राहां नू इन्हां राहां ते तेनू कुछ नहीं लभना मैं नहीं छड़ना तेरे को जो हो सकता है कर ले असी ते तेरे लिए सिर्फ उस सच्चे रब अगे दुआ ही कर सकते हैं। मैनू ठीक करन आया सी मैनू ठीक करके रख दिया फजलू जी बीबी जी कहने दरगा पर बीबी जी मैं जो कहनी हूं कर चंगा बीबी जी मौला खुश रखे जिवें तुसी कहंदे जे कर लेना वा बस जी कुछ दर्द जहा उठा चकरा के डिगी ते बाकी तुसी आप चल के देख लो ठीक है आ मेरे नाल दर्द हो रहा तो इस तरह तोहफे नाल बुलाने का मकसद जदों का तैनू वेख्या सी चैन नहीं सी आ रहा कंजरी बन के बुला ते तू कभी नहीं सी आना अल्लाह लोका फैसले मजबूर अनिश्क दिलों की बन के धोखे नाल बुलाया सीने नाल ला लै या इस दिल चो अपने प्यार वाली अद कर दे शबीलिए प्यार हक सच दा नाम है इस सच में अपना ईमान बना ले उस सोने रब को जो चाहेंगी तेनू मिल जाएगा इंज ते नहीं जान देंगी की चाहनी है तुम प्यार दवा जाके बेड़ा पार कर दे तुम प्यार दवा जाके बेड़ा पार कर दे
ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਕਾਇਓ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ
ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਛਬੀਲੀਏ, ਤੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਖੱਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੂੰਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੈ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ਿਕਰਾ ਡਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਗੈਰੁ ਮਾ ਬਿਕੌਮਿਨ ਹੱਤਾ ਯੁਗੈਰੁ ਮਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉਛਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਰੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਅਤਾ ਸੇ ਮੂੰਹ بحب لله جميعا فلا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریق مت پیدا کرو۔
अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना मर्जी वो नीली छतरी वाले नू याद कर ले, जिन्ना मर्जी ओनू अपनी मदद लई पुकार ले। शिकरे ने तेरे गल च मौत का फंदा पा के ही रहना, पर नहीं मैं तेनू तेरे मुर्शिद वांगू एक झटके विच नहीं मारना, बात लै लै के मारना है सट के जावा। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شکریہ جیل توڑ کے تے آ گئے ہن شیطان نال کدو یاری توڑنی ہو آ جا شکریہ رل کے کچھ اللہ اللہ کر لی اللہ اللہ تے میں آلے تینوں بڑی کروانی ہے صدقے جاواں جیل چ رہ کے میں تینوں مارن دے نویں نویں بلی تے سوچدا رہیا واں اور کی کردا رہیا واں अच्छा नहीं 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 ओनू यकीन नहीं आ रहा जी मेरा यकीन ते उस सोने रब ते शुक्रिया जड़ा आसमाना ते बैठ के मौत ते जिंदगी दे फैसले करता है अज फैसला जमीन ते ही होवेगा नहीं शिक्रिया नहीं तू साडे मुर्शिद दूसियां लाशा तो लंघ के लिए जावेगा ओए मैं तोडियां लाशा दा पुल बना के ओदे उत्तो इनू कसीदियां ले जावांगा दरिया वांगू पन्न दियो इनां नू नहीं शिक्रिया नहीं नहीं मैं तेरा मुजरम हां तू मैनू नाल ले चल नहीं ए कभी नहीं हो सकता होवेगा ये मेरा हुक्म है शुक्रिया तू अपने जुल्म दी अखीर कर ले जिथे दिल करते मैनू अपने नाल ले चल जे खो सकना है ते खो ले जी और सदके जाओ मुर्शिद ने साडियां जाना बचाने लई अपनी जान शिकरे दे हवाले कर दित्ती है पर असीं अज पिछे नहीं रवांगे अज टकराएंगे ओ शिकरे दे नाल पर मुर्शिद दी कसम मुर्शिद ने कसम शिकरे दा राह ना टकन दी दित्ती सी पिछे आण दी नहीं मैनू हथकड़ियां लवा के पिंड वालियां दी नजर विच बड़ा शेर बन गया से मां क्या शेरा हुण जरा अपनी अखां खोल के देख ते सही की हाल हो गया है तेरा देख रहा मां सब देख रहा मां ते अपने गुनाहां दी सजा समझ के पर तेरी लाश नू देख के सारा पिंड रोएगा
ਲੱਗਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨਕਰੂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਮੇਰੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇਰੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੱਕਰੇ ਟੱਕਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆਓ ਕਹਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟੱਕ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੱਕਰੇ ਟੱਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਾਦਾ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ, ਡਰ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਪਾਦਾ ਜਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਾਦਾ ਜਾ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾ ਹਾਥ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਬ ਜਾਨ ਔਰ ਈਮਾਨ ਬਚਾਨੇ ਕਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। Thank you.
ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਜਰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਜਰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਕ ਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦੇ ਯਾਰ, ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦੇ। ਤੂੰ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇ।